हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादव। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि बिजनेस मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, तो सबसे पहले आप माल परचेज करके अपने एरिया में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मुझे मिले, मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था तो सर काफ़ी इंटरेस्टेड हुए। और तो हेलो सर, सर कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। तो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। हाँ, मेरा नाम सी एस जोशी है। यस सर, सर आप काम क्या करते हैं सर? मैं तो गवर्नमेंट जॉब में करता हूँ, पर ये काम मेरे को इतना अच्छा लगा है। उत्तराखंड में मैं अपने बहनें हैं जो वहाँ पे वीडो हैं, और भी परिवार के लोग हैं। हाँ, और अपनी वाइफ है, वो इसको पार्ट टाइम में ये काम करना। अच्छा अच्छा, अपनी वाइफ और बहन वगैरह के लिए आप मशीन परचेज करके ले जा रहे हैं। एक उत्तराखंड में एक समूह है, वो उनसे जुड़ा हूँ मैं। Yes, तो जैसे मदर डेयरी वगैरह होती तो वो समूह इसमें काम करेगा। तो सर बताइए, आपके लिए आपका काम बहुत अच्छा चले। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि आप पहले ट्राई कीजिए। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इतना भर भर के माल ले जाइए, पहले थोड़ा सा माल लीजिए और अपने लोकल एरिया में ट्राई कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, और वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आए फिर अपना काम आगे बढ़ाइए। ऐसा ही सर ने किया। सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए वीडियो देखकर और सर ने तुरंत ही अपना काम शुरू किया। यहाँ से थोड़ा सा माल लिया अपने मार्केट में ले जाके, और उसका जो मार्केट में ले जाके उसको सेल किया, रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो सर दोबारा से आए, अब सर 15 तारीख से अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और गोपाल भैया का भी धन्यवाद, ज्योति मैडम का भी धन्यवाद। तो सर आप मशीन कहाँ पर लगाएंगे? ये उत्तराखंड में एक कोटद्वार जगह है, तो ये देवरामपुर में स्टार्ट हुआ। तो देवरामपुर में, उत्तराखंड में देवरामपुर में सर काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे साथ एक सर हैं, मैं उनका रिव्यू लूंगी, जिन्होंने मशीन परचेज करके और अपना काम स्टार्ट कर लिया है। काम स्टार्ट करने के बाद बना हुआ माल वो कंपनी के पास वापस लेके आए हैं। तो सर से मिलते हैं। तो सर, मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? सर माय नेम सुनील। यस सर। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली स्वरूप नगर से हूँ। तो आप अभी तो क्या बना हुआ माल लेकर आए हैं? अभी बना हुआ माल लेके आया हूँ, मेरे को यहाँ का अच्छा लगा था रिव्यू। अच्छा, तो कंपनी से की तरफ से आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रही है? कंपनी सपोर्ट कर रही है पूरी। हाँ हाँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी संडे को एक मशीन ली थी मैंने, उसके बाद अभी दूसरी मशीन लेने का विचार है। अच्छा अच्छा, हफ्ते भर में ही आपने एक और मशीन लेने की सोच ली? हाँ जी। यानी इसका मतलब आपका काम अच्छा चल गया? काम अच्छा चल रहा है। जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस कंपनी के साथ मिलके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उनके लिए कैसा रहेगा ये बिजनेस? देखिए मैम, घर में खाली बैठने से अच्छा है कि छोटा मोटा बिजनेस जो भी है करना चाहिए, और ये बिजनेस बहुत अच्छा है। बिजनेस का जो आप कर रहे हो उसका फ्यूचर कैसा है? इसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है? नहीं, इसकी मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है, हर जगह से ऑर्डर आते भी हैं। और मार्केट करना कोई ज्यादा टिपिकल तो नहीं है मार्केटिंग में? नहीं, वैसे मार्केट करना चाहे तो उसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाती हूँ जिन्होंने यहाँ से मशीन परचेज की है, तो जानते हैं उनका फीडबैक ले लेते हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं? मैम हापुड़ से। हापुड़ से? जी, हापुड़ के पास से एक गांव है। यस सर। तो आप सर क्या मशीन ले चुके हैं या पहली बार मशीन लेने आए? पहली बार लेने आए मैम। तो आपके हिसाब से हमारे व्यूअर्स के लिए ये बिजनेस कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा जी, जो भी करना चाहता है, अगर मतलब फर्स्ट टाइम कोई विचार है इसको करना तो बढ़िया है उसके लिए। तो आप खुद से सेल करेंगे या बायबैक में पूरा माल वापस देंगे? बायबैक में देंगे जी, बायबैक में। फर्स्ट टाइम, हाँ हमें पता नहीं है, मतलब जो है बायबैक में काम लेके जो जा रहे हैं बायबैक के लिए। तो आपने कितनी मशीनें खरीदी हैं अभी? दो मशीनें ली हैं। दो मशीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर बैठे हुए हैं, इन्होंने दो मशीन परचेज की हैं और हापुड़ से आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, और मैं तो सेल करने की कोई दिक्कत नहीं है। ये सर का बिल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर का बिल वगैरह पूरा बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना। और सर का ये एग्रीमेंट है अपना, ये एग्रीमेंट है सर का, जैसे कि फिर ये भी सर हैं, ये भी हापुड़ से ही हैं, दोनों एक साथ ही हैं, है ना। इनका भी बिल देख लो, है ना, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ सबका हो गया। ये सर का आधार कार्ड है देखो, है ना। तो सर बताएं आप, सर आप अपना नाम बताएं सर। जसबीर। जसबीर कहाँ से हैं सर? हापुड़ से। आप भी हापुड़ से ही हैं? तो सर आपको कैसा लगा ये बिजनेस? बढ़िया। बढ़िया है। तो सर आपने फर्स्ट टाइम यही ट्राई किया है कि आपने और भी वीडियोस देखे हैं? मैंने पहले मतलब यूट्यूब के माध्यम से बहुत वीडियो देखी हैं, और जो हमने मतलब देखा है बताते हैं कि मतलब फेक होता है जो भी कुछ है, ठीक है, जो इस पे मतलब बताते कुछ है, होता कुछ है, मिलता कुछ है, पैसे कम ज़्यादा बता देते हैं,
माल पूरा नहीं देते आपको, बायबैक जैसे जो भी बताया वो होता नहीं है। लेकिन तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम आए बिल्कुल जो जेन्युइन देखा है वही मिला है, वही है सभी कुछ। तो फ्रेंड्स आप मैं संतुष्ट हैं अपने सामान से, मशीन से, सभी चीज से। तो सर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सर संतुष्ट हैं, और मैं नहीं कह रही हूँ, सर खुद कह रहे हैं उनको यहाँ का सब कुछ अच्छा लगा तभी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वही मिला है उनको। तो फ्रेंड्स मैं भी वही कोशिश करती हूँ, किसी भी कंपनी में वीडियो शूट के लिए जाती हूँ तो सबसे पहले मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए वो ढंग से डील करेंगे या नहीं करेंगे। तो सब कुछ देखने के बाद ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, और मुझे अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। और आपके लिए मैं हर बार कुछ ना कुछ यूनिक बिजनेस लेकर आती रहती हूँ, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम ऐसी ही कंपनी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम आ चुके हैं ज्योति इंडस्ट्रीज पे। तो सर आप बताएं ऐसी कौन सी मशीन है जो पहली बार ही YouTube पे लोगों को देखने को मिलेगी और फर्स्ट टाइम ही आपने बनाई है, तो उसके बारे में आप बताएं। जैसा कि आप देख रहे होंगे सामने मशीन है, छोटी सी मशीन है, कोई ज्यादा स्पेस भी नहीं लेती है, छोटा सा टेबल पर रख के, और ये ऑटोमेटिक मशीन है। जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा कस्टमर को, आपके व्यूवर्स को, तो ये कोई भी व्यक्ति अगर इस बिजनेस को करना चाहता है छोटे से इन्वेस्टमेंट में और छोटे से कमरे, छोटे से स्पेस से, तो इस मशीन से वो कर सकता है, और विदाउट लेबर इस मशीन को लगा करके काम कर सकते हैं। इसमें कितना प्रोडक्शन हो जाता है? प्रोडक्शन से मैडम 2 से 3 kg आराम से कोई भी बंदा इस मशीन को लगा के अगर 8 घंटा चलाता है तो 2 से 3 kg आराम से बना सकते। तो सर बना हुआ माल है वो क्या आप वापस लेंगे कि मार्केट में? देखो हम लोग भी वापस ले रहे हैं, बाकी अगर कस्टमर खुद से सेल करना चाह रहे हैं तो खुद से भी सेल कर सकते हैं। काफी लोग कह देते हैं कि 3 से 4 kg, 5 kg, 6 kilo बनता है, पर नहीं ऐसा नहीं है, 2 से 3 kg बनता है। ठीक है सर, तो अगर व्यूअर्स आपको वापस देते हैं बना हुआ माल तो उनको कितना अर्निंग कर सकेंगे? 200 पर केजी दे रहे हैं, 1 kg पे 200 रुपये बनाने के दे रहे हैं, यानी कि 600 रुपये तक पर डे कमा सकते हैं 8 घंटे मशीन को चला करके। पार्ट टाइम भी जैसे कहीं जॉब भी कर रहे हैं वो तो पार्ट टाइम इस मशीन को चला के 600-800 रुपये कमा सकते हैं। इसीलिए कंपनी को माल देके अगर खुद से सेल करते हैं तो 1500-2000 तक का कमा सकते हैं। तो सर ईएमआई वगैरह पे भी देते हैं क्या आप मशीन? ईएमआई वगैरह अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो हो जाता है, ईएमआई पे भी हम लोग दे देते हैं। तो सर हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि कुछ ऐसी मशीनें बताओ जो हमें फाइनेंस पे मिल जाए, तो आप भी क्या फाइनेंस वगैरह पे देते हैं मशीनों को? बिल्कुल देते हैं मैडम, अगर कोई व्यूअर्स आपके दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से हैं तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आए, और कोई सा भी मशीन है जितने बताया ना आपको, तो वो कोई सा मशीन फाइनेंस करवा के ले जा सकते हैं हमारे यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये है सर का गोदाम, आप देखिए यहाँ पर काफी लोग कहते हैं ना कि कंपनी माल नहीं लेती है, तो ये कंपनी कोई घर में नहीं बना रखी है, माल कस्टमर से ही बन के आया और कस्टमर ही बना के देते हैं। तो काफी लोग हैं ऐसे भी कस्टमर मतलब मार्केट में जो सिर्फ मशीनें बेच रहे हैं, उनके माल देखो तो 1 भी ग्राम नहीं मिलेगा उनके पास, बट हमारे पास आप देख सकते हो हम लोग माल भी लेते हैं और माल कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, किस तरह से आप देख सकते हैं अंदर तक देखो माल किस तरह से भरा हुआ है। तो इसी तरह से कस्टमर को माल बना के देना होता है, फिर कंपनी से लूज में ही सेल करती है, बाकी कंपनी कुछ अपना पैकिंग भी करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड कॉटन वेक्स है, देखो बन रही है यहाँ पे, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है, और मशीन को ऑपरेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, मशीन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। बत्ती की क्वालिटी कितनी सुंदर सुंदर बत्ती बन के तैयार हो रही है, और हर कलर की आप बना सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन हमने डाल रखा है कि आप इस तरह से कॉटन लगा दीजिए आपका आगता रहेगा, और इस तरह से आप तोड़ के लगा सकते हैं। मैं भी इसे आपको डाल के दिखाना चाहूँगा, इस तरह से 2 बंदे भी काम कर सकते हैं एक मशीन पे, इस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बत्ती बन के आ रही है, क्वालिटी आप देख सकते हैं बत्ती की कैसा बन रहा है। इसी तरह से कस्टमर को माल बना के देना होता है, इस तरह से अलग अलग कलर के होते हैं कॉटन, तो इस तरह से बंडल बना के कस्टमर को देना होता है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने लॉन्ग कॉटन वीक और राउंड कॉटन वीक दोनों का आपको लाइव डेमो भी दिखाया और अपना गोडाउन भी दिखाया, किस तरह से हमारे पास माल आता है और किस तरह से कस्टमर को देना होता है। तो ऐसा ही कस्टमर को कोई भी परचेस करते हैं मशीन हमारे यहाँ से या रेंट पे लेते हैं, तो इसी तरह से माल बना के देना होता है उनको भी, फिर आगे कंपनी खुद से सेल करती है, अब वो सेल करने का टेंशन नहीं लेना है। तो कंपनी इसके लिए 5 साल का एग्रीमेंट कर रही है, नोटरी एग्रीमेंट हो रहा है कोर्ट, तो आप
एक भी परसेंट टेंशन मत लो कि वीडियो में कंपनी तो बोल दी है कि हाँ माल लेंगे फिर माल नहीं लिए, इसके लिए कंपनी 5 साल का एग्रीमेंट कर रही है। बाकी डिस्कशन बॉक्स में नंबर भी है, एड्रेस भी है, तो आप एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया।